योगी जी बहुत खुश लग रहे हो। लगता है सुबह से कम 15-20 लोगों को डिलीवरी कर दी तुमने। सबसे ज्यादा डिलीवरी तुम्ही ने की होगी, मुझे तो यही लगता है तुम्हारी मुस्कुराहट से। अरे नहीं अखिलेश, ऐसी कोई बात नहीं है। बस 25 लोगों को डिलीवरी कर पाया हूँ सुबह से, ज्यादा डिलीवरी नहीं हो पाई है। और तुम अपनी बताओ, तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हारे चेहरे पे कैसी उदासी छाई हुई है यार। क्या बताऊं, ज्यादा डिलीवरी हो ही नहीं पा रही है। वो 10-12 और इतनी देर में तुम 20-25 कर लेते हो। क्या बताऊं, मेरे पास साइकिल है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक है, और ये मोदी जी, ये तो हमारे बॉस है, ये तो कम से कम सुबह से 50 डिलीवरी कर चुके होंगे। और मोदी जी बताइए, अपने बारे में भी बताइए। अरे कुछ नहीं अखिलेश, कोई खास डिलीवरी नहीं हुई है सुबह से। वही 49 पे पहुंचा हूं, अभी 50 तक पे नहीं पहुंचा। लगता है किसी की नजर लग गई, लालू भाई की नजर लग गई। लालू भाई तुम कैसे खड़े हो पीछे, तुम्हारी कितनी डिलीवरी हो गई सुबह से, तुम भी तो कुछ बताओ। और हमारे तो जिंदगी लुल हो गई, सुबह से सिर्फ 6 डिलीवरी कर पाए हैं। जिस्म जवाब दे गया, मेहनत ज्यादा होती नहीं है। मोदी जी अब वो वक्त कहाँ रहा जब मैं एक टाइम पे 60-60 डिलीवरी कर देता था। जितनी देर में तुमने 49 की है, मैं 60-70 कर दिया करता था। वक्त चला गया। अरे लालू जी तुम्हारे 6-7 हो तो गई, वो पीछे देखो राहुल खड़ा है, उसकी तो सुबह से सिर्फ 2 डिलीवरी हो पाई है, 2 जगह डिलीवरी कर पाया है। इससे ज्यादा उसकी क्षमता ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पाता है। क्या बताऊं यार, मैंने सोर्स से इसे इस काम पे लगवा दिया था, लगता है ये इस काम में भी फेल हो गया। ये वैसे ये काम है बहुत मेहनत का योगी जी, बहुत मेहनत का। इसमें ना धूप देखी जाती है, ना भूख देखी जाती है, ना छांव देखी जाती है, ना बारिश देखी जाती है, सिर्फ काम काम काम। टाइम पर नहीं पहुंचो तो निकाल दिए जाते हो यार, बहुत मेहनत का काम है ये। ठीक है, जैसा भी है तो काम। और भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अरे योगी जी उतर जाओ, खींचा नहीं जा रहा है ठेला। अरे उतर जाओ, बहुत मेहनत लग रही है यार, बहुत मेहनत लग रही है खींचने में। अरे उतर जाओ योगी जी। अरे मोदी जी मैं क्यों उतरूं ये बताओ, मैं कोई फ्री में काम नहीं करा रहा हूं तुमसे, मैं नहीं उतरूंगा। अरे तुम्हें भी तो पैसे का एकदम लालच है, एकदम इतने बोरे लाद लिए। क्यों लाद लिए इतने बोरे? मैं कह रहा था कि 2 बार में ले जाओ ये। कोई बात नहीं, मत उतरो। राहुल आ गया, राहुल धक्का लगा देना थोड़ा, धक्का लगा दे राहुल थोड़ा। अरे मैं खुद तो सही से चल नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या धक्का लगाऊंगा मोदी जी, क्या धक्का लगाऊंगा। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी इस बुढ़ापे में इतनी बोरे लादने की, इतने बोरे नहीं लादते। अरे क्या बताऊं राहुल, पेट की भूख के लिए ये सब करना पड़ता है। ऐसा लगता है एक पैसा और कमा लो। अरे इसी पैसा कमाने के लालच में मैंने इतने बोरे लाद लिए, अब मैं खींच नहीं पा रहा हूँ। अब ऐसा करो, थोड़ा सा ही धक्का लगा दो, डूबते को तिनके का ही सहारा बहुत होता है, थोड़ा सा धक्का लगा दो। अरे ये योगी जी तो बेरहम हो गए बिल्कुल, तुम ही लगा दो, ये उतर ही नहीं रहे ठेले पे से। चलो धक्का तो लगाता हूँ मैं मोदी जी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, इस बुढ़ापे में इतना वजन मत खींचना, अब बिल्कुल भी मत खींचना। देखो मैंने भी काम करना बिल्कुल छोड़ दिया है। अरे माना के भुखमरी और बेरोजगारी है, लेकिन अपने शरीर को भी तो देखना पड़ता है। मैं तो उतना ही काम करता हूँ जितना खा पी लूं, समझे? बस खाने पीने लायक मैं काम करता हूँ, बेहसाब मेहनत नहीं करता हूँ मैं। अरे राहुल इतनी मेहनत क्यों करती हो तुम? दिन रात रिक्शा खींचती हो, वो भी हाथ से रिक्शा खींचने में तो बहुत मेहनत पड़ती होगी। पैर वाला रिक्शा ले लो जो पैर से चलाया जाता है, बहुत मेहनत पड़ती होगी तुम पे। कितना कमा लेती हो दिन भर में? अरे कोई बात नहीं है मोदी जी, मेहनत तो करना पड़ती है, मेहनत नहीं करोगे तो कमाओगे खाओगे क्या? मेहनत करके ही तो कमाई होती है, फिर उसी से खाना पीना होता है। बोलो तुम्हें कहाँ पे छोड़ना है? अरे राहुल जो आगे मोड़ आ रहा है, उसी मोड़ पे रिक्शा रोक लेना, वहीं पे मैं उतर जाऊंगा, समझे? वहीं उतर जाऊंगा। और योगी जी तुम कहाँ पे जाओगे, तुम्हें कहाँ पे उतारना है, तुम भी बताओ। अरे योगी जी ये देखना जरा, पीछे इतनी जोर जोर से हॉर्न कौन बजा रहा है ये हॉर्न? अरे राहुल जो दूसरा मोड़ आएगा उस मोड़ पे मुझे उतार देना, इस मोड़ पे मोदी जी को उतार देना, इसके बाद जो दूसरा मोड़ आए उस पे मुझे उतार देना। अरे ये पीछे अखिलेश है अपनी मोटरसाइकिल से, वो ही हॉर्न बजा रहा है, आगे निकलने की सोच रहा है, आगे निकलने की जगह नहीं है, समझे? थोड़ी सी जगह दे दो इसे। अरे योगी जी इस राहुल से कहो कि रिक्शा साइड से चलाए,
समझे, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। इससे कहो रिक्शा साइड से करे, कभी भी ये रिक्शा साइड से नहीं चलाता है, हमेशा बीच रोड पे चलाता है। इससे कहो साइड से करे। अरे अखिलेश इस तरीके की बातें मत करो, समझे, राहुल अपने हाथ से रिक्शा खींच रहा है, कर लेगा साइड से, कर लेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, हाथ से खींच रहा है बेचारा, मेहनत पड़ रही है, वो तुम्हारी तरह थोड़ी है जो मोटरसाइकिल चला रहा है। हाँ योगी जी, ये अखिलेश क्या कह रहा है पीछे से, क्या कह रहा है मुझे बताओ क्या कह रहा है। कुछ नहीं राहुल, ये रिक्शा साइड से करने को कह रहा है, कह रहा है रिक्शा साइड से कर लो, इसीलिए हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है और थोड़ा चिल्ला भी रहा है। अरे चिल्ला रहा है योगी जी, चिल्ला क्यों रहा है, ये मोटरसाइकिल चला रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हाथी पे सवार है, ये तो ये समझ रहा है कि मैं हाथी पे सवार हूँ। हल्के हल्के ही रिक्शा साइड से करूंगा मैं, कह दो इससे हल्के हल्के होगा, अभी पीछे चल, आराम से चल पीछे पीछे। अरे कोई बात नहीं है राहुल, रिक्शा साइड से कर लो, गुस्सा मत करो, गुस्सा थूक दो। ऐसा करना तुम पैर वाला रिक्शा ले लेना, पैर वाला रिक्शा, कुछ पैसे मैं दे दूंगा तुम्हें रिक्शा लेने के लिए, वो ही चलाना। ये हाथ वाले रिक्शे से बहुत मेहनत पड़ती है, ये मत चलाना। और माय लोगों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राहुल सरकार ने जब से खेत में पराली जलाने को मना किया है, तब से पराली को समेटना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं तो खेत में से पूरा ट्रक भर के पराली ले आया, और ये मैं काम अकेले नहीं कर पाता अगर तुम लोग साथ नहीं देते। राहुल तुम ऊपर बैठे, अखिलेश, योगी जी और लालू जी, तुम लोगों ने मेरी बहुत सहायता की इस पराली को लाने में। अरे मोदी जी, हमने सहायता तो की, लेकिन तुमने हमें कहाँ बैठा दिया है, ऊपर ट्रक के ऊपर। राहुल को अंदर आराम से ट्रक के अंदर बैठा दिया है, हम क्या तुम्हारे दुश्मन है। सही कह रहे हो अखिलेश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेहनत तो हमने भी बहुत की है इनका ट्रक में पराली भरवाने में, लेकिन उन्होंने हमें ऊपर बैठा दिया और राहुल को अंदर बैठा दिया ट्रक के अंदर। अरे योगी जी, ये मोदी जी पूरे ट्रक में पराली भर के आबादी में ले जा रहे हैं, ये तो ट्रक को रास्ते में कोई दूसरा वाहन निकलने तक की जगह नहीं है, पूरे रोड को ब्लॉक करते हुए चल रहे हैं, कहीं इनका चालान ना कट जाए। अरे चालान का नाम लिया, ये देखो केजरीवाल इंस्पेक्टर जी ट्रक को रुकवाने लगे। रोको भाई रोको, मोदी जी रोको, रोको ट्रक को रोको। जी सर जी बोलिए, क्या बात है, कोई गलती कर दी हमने, अगर कोई गलती की हो बताइए हमें। अरे कोई गलती कर दी, ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही मोदी जी, अपने ट्रक को बिल्कुल पराली से ओवरलोड करके और ऊपर सवारी भी बैठा ले हुए हो तुम। अरे कहीं तुम्हारा ट्रक पलट उलट गया तो कितनी चोट लगेगी इन सवारियों को जो ऊपर बैठी हुई है, और ऊपर से तुम आबादी में ले जा रहे हो इतना भरा हुआ ट्रक। रोको, तुम्हारा चालान काटूंगा। अरे सरकार ने पराली जलाने को मना किया है, हम खेत की पराली तो ही भर के ले जा रहे हैं ट्रक में, ये बताओ खेत में भी पराली को जलाएंगे नहीं और ट्रक में भर के ले नहीं जाएंगे, फिर क्या करेंगे हम पराली का। अरे तुम भर के कहीं पे ले जाओ पराली को, लेकिन आबादी में इतना भारी ट्रक भर के कहाँ ला रहे हो। लेडी सब इंस्पेक्टर सोनिया जी, इनके ट्रक के कागज देखकर इनका चालान करो। अरे मेरे बेटे राहुल, तू मोदी जी के साथ कहाँ फिर रहा है, तू भी इनकी बातों में आता है, इनका अभी चालान काटती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, इनके ट्रक का चालान मत काटो, ये हमें 200 की दिहाड़ी पर अपने ट्रक में खेत से पराली भरवाने के लिए ले गए थे, ये हमें 200 रुपए दे रहे हैं, इनका चालान मत काटो। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।